भंडारा जिले के अग्रेशन भवन कार्यालय में श्रम सुविधा केंद्र भंडारा द्वारा महिला और पुरुष कामगारों को पेटी किचन सेट का वाटअप किया जा रहा है। भंडारा जिले में 4 जगहों पर इसका वाटअप हो रहा है। रात के 4 बजे से महिला और पुरुष लाइन में लगे हुए थे। बता दें, खाने और पीने की सुविधा न होने की वजह से तेज गर्मी के कारण वहां भगदड़ मच गई, जिसके चलते होमगार्ड, सुरक्षा गार्ड, पुलिस विभाग द्वारा लाठीचार्ज किया गया। बता दें, इस लाठीचार्ज के दौरान 5 से 6 महिला घायल होने की जानकारी सामने आई। इन महिला पुरुषों के जमावड़ा को शांत करने के लिए तत्काल DYSP डॉक्टर अशोक बागुल ने पेटी किचन सेट वाटअप ठेकेदार को तुरंत आदेश दिए। सभी महिला और पुरुषों को तुरंत ही रात भर में पेटी और किचन सेट वाटअप करने के आदेश दिए गए। बता दें, भंडारा जिले के उप विभागीय DYSP डॉक्टर अशोक बागुल ने बेहतरीन तरीके से इस भीड़ को शांत कर निपटारा करते हुए मिसाल कायम की। महाराष्ट्र TV24 के लिए जाहिद शेख, भंडारा। तू बोलली होती बर का, आता मी तुला 5,000 रुपये देणार आहे। पहिले शाळेत घातलं की 6,000 रुपये, आणि हो, जेव्हा 6वीत जाईल ना तेव्हा 7,000 रुपये, आणि 11वीत जाईल तेव्हा 8,000 रुपये मी तिला देणार आहे। एवढंच नाही, ती 18 वर्षाची झाली की 75,000 रुपये द्यायला मी तयार आहे। एवढे पैसे आता तुम्ही सगळे मिळून माझी चेष्टा करताय ना? नाही रे दादा, तुला फक्त जवळपासच्या अंगणवाडी मध्ये जाऊन लेख लाडकी योजनेमध्ये तुझ्या मुलीच्या नावाची नोंदणी करायची। एवढंच करायचं होय। धन्यवाद बर का माझ्या लेकीनं। या लहान मुलींप्रमाणेच आपल्या जवळच्या गरजू लोकांना लेख लाडकी योजनेची माहिती देऊयात आणि आपल्या लेकींचे उज्ज्वल भवितव्य घडवण्यासाठी हातभार लावूया। लाडक्या लेकीच्या पंखांना बळ हीच आहे महाराष्ट्र सरकार।